ज्ञान जब बढ़ता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी जो ईगो होती है, जो लोगों की छोटी छोटी बातें दिल पर लेने की आदत होती है, वो खत्म होने लगती है। क्योंकि ज्ञान आपको ये महसूस करवाता है कि हम इस दुनिया को जितना समझ रहे हैं या उससे कहीं ज्यादा राज अपने अंदर दबाए बैठी है। और इंसान की बुद्धि सिर्फ उतना ही सोच और समझ सकती है जितना उस बुद्धि को चलाने वाला ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो। अब बात आती है कि एक जीनियस में और एक कम इंटेलिजेंट इंसान में क्या फर्क है। तो दोस्तों, फर्क है उसकी ईगो का। आप कभी भी देखना, जिसके पास जितना ज्ञान होगा, या तो वो बिल्कुल शांत रहेगा या फिर बहुत ही ज्यादा घमंड में। और जो शांत रहता है उसको अपने अंदर के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होता है, मगर एक बेवकूफ को कुछ भी नहीं पता होता। जैसे हमसे कोई बच्चा अपने नटखट से सवाल पूछता है कि पेड़ बात क्यों नहीं करते, या मैं चांद पर रहने जाऊंगा, तो हम उसकी बातों पर गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज का ज्ञान है, यानी जो भी उसने कहा आपको उसके बारे में पहले ही सब कुछ पता है। पर जहां पर हम फंस जाते हैं, जब कोई बड़ा हमसे सवाल करता है कि इस चीज को इंग्लिश में बोल के दिखा, या चार लड़की बैठी है और कोई लड़का हीरो बनने के चक्कर में आपको ये कहे कि तुझे तो साइकिल चलाने भी नहीं आती, या तुझे तो ये बोलना तक नहीं आता, यानी आपकी बेइज्जती करके उसने दूसरे को हंसा दिया और सोच रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। अब जिस बंदे की नॉलेज कम होगी, उसकी यहाँ पर ईगो हर्ट हो जाएगी कि यार इसने मेरा लोगों के सामने मजाक बना दिया या मुझे नीचा दिखा रहा है। अब सोचो, अगर आपकी नॉलेज उससे ज्यादा हो और उसको पता तक नहीं है, जैसे उसने कहा कि तुझे तो साइकिल तक चलाने नहीं आती, तो वाकई में आपको साइकिल चलाने नहीं आती, मगर आपको कार चलाने आती है। ऐसे ही उसने कहा कि तुझे तो ये ठीक से बोलना भी नहीं आता, मगर आपको किसी और लैंग्वेज में लोगों से उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बात करने आती है। यानी जब आपको कोई नॉलेज नहीं है तब आप बहुत बुरा फील करोगे, पर जब आपको नॉलेज है और आपको पता है कि आप क्या जानते हो क्या नहीं, तो बस आप उसकी बात पर मुस्कुरा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि जब हमें ज्ञान होता है किसी चीज का, जब हमें पता होता है कि हमें अपने काम की नॉलेज तो है, फिर हम लोगों की बातों को बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लेते, फिर हम उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यानी आपको ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, ज्ञान बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जो ये बातें दिल पर लेने की आदत है वो अपने आप खत्म होने लगे। अब ज्ञान बढ़ता है इस चीज से कि पहले आप सुनना सीखें, उसके बाद उसे फिल्टर कर दें कि कौन सी बात रखने वाली है और कौन सी हटाने वाली। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, सब पता है, तो समझ जाओ आपका ज्ञान बहुत ही ज्यादा छोटा है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि मुझे सब पता है ये कुछ भी ना पता होने की निशानी होती है। जब हम ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो हम हर सिचुएशन को अपने भीतर भरे ज्ञान से ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर आपको खाना बनाने में सिर्फ दाल की रेसिपी पता है, तो दाल की रेसिपी पता होने से आप उससे कढ़ाई पनीर थोड़ी ना बना देंगे, जाहिर है दूसरी सब्जी को दूसरे तरीके से ही बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट ऐसे ही लाइफ में आ रही दिक्कतों के लिए हमें उसमें ढलना पड़ता है, खुद को थोड़ा बदलना पड़ता है। अगर हम एक ही तरह से हर चीज को हैंडल करेंगे तो कभी ज्ञान बढ़ेगा ही नहीं, और ना ही वो मुसीबत सोल्व हो पाएगी। बाकी जहां से आपको लगातार हेट मिल रही हो, जहां से आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो रहा हो कि मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ऐसी जगह से बातें सुनकर खुद के अंदर इन्हें जगह मत दो। आप जैसे ही इनकी बातें सुननी बंद करोगे, जैसे ही अपने आप को इनसे दूर करोगे, तभी आपको अपने अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि वो सब पीछे रह गए हैं और मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूं। इसलिए ज्ञानी बनो बजाय हर बात को दिल पर लेने के। दिल पर लेने से हमें ही हर्ट फील होता है, मतलब हम ही किसी की केयर करते हैं, हम ही उससे हर्ट होते हैं, और हमारे ही दिल पर लगकर वो बातें हमें ही छोटा महसूस करवाती है। इससे अच्छा तो इसे नजरअंदाज करें और अपने आप को बड़ा बनाएं। ज्ञान आपको इतनी ऊंचाई पर लेकर जाता है जहां से आपको ये सब नीचा दिखाने वाले बहुत ही छोटे चींटी जैसे नजर आते हैं। इसलिए महान बनो, घमंडी नहीं, सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाओ जिससे आपकी हेल्प हो सके लाइफ की हर सिचुएशन में खुश रहने में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की बातें आपको पसंद आई होगी, ये बातें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।